हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। सो आप जैसे आप देख रहे थे कि एचआर की टर्मिनोलॉजीज हमने की हैं और काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है कि बच्चों को उसको जानने में काफी इंटरेस्ट आ रहा है बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ ही साथ आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज भी मैं आपको दो टर्म्स बताने वाली हूँ। वो दो टर्म्स हैं, पहला है आपका एम्प्लॉय एम्पावरमेंट और दूसरा है आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ये दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू इंट्रोड्यूस IFAS ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी आपके लिए एक लेटेस्टली 1+1 का ऑफर लॉन्च कर रही है। जैसा आपको लिंक यहां पर आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IIT UGC नेट की प्रिपरेशन कराती है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कराती है और अभी यहां पर मॉक टेस्ट और लाइक वीडियोस आपको सारी चीजें मिलेंगी। साथ ही साथ अभी 1+1 का ऑफर चल रहा है तो आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी अगर आप और भी डिटेल देखना चाहते हैं तो, क्योंकि इसका टाइम लिमिटेड है 5 to 7 September तक ही इसकी लिमिट है। तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक फॉलो कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। तो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज द एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, कि एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या होता है। गाइज, आज की एक नई फिलोसफी आ चुकी है, हर कोई चाहता है कि उसको काम करने के लिए ना एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म मिल जाए। वो प्लेटफॉर्म उसको कहां से मिलता है? वो प्लेटफॉर्म उसको मिलेगा उसी ये ऑर्गेनाइजेशन से। तो आज के समय पर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो किया है, उसी एक स्ट्रेटजीज में है आपका एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एम्पावर करना। एम्पावर करना मतलब किसी को पावर देना। जैसे कि अगर ये एम्प्लॉय है और ये ऑर्गेनाइजेशन है तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसको यहां पर पावर प्रोवाइड करा रही है। पावर किस चीज की? कि वो यहां पर अपनी जॉब से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो खुद ले सकता है और इन दैट केस अगर वो डिसीजन लेता है तो ही इज अकाउंटेबल फॉर हिज ऑन डिसीजन। मतलब यहां पर उसको इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या आप कह सकते हो कि इस तरह के रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है कि वो अपने काम में जिस तरीके से वो काम करना चाहता है उस तरीके से काम कर सके। बस मेन पर्पस है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हमको क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज है वो जब अपना समझ के काम करते हैं ना, उनको लगता है कि यस मेरे पास पावर है, मैंने ये काम किया हुआ है, सो आई एम दी अकाउंटेबल फॉर माई डिसीजन। तो इस तरह की फीलिंग के साथ अगर वो काम करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। तो यही मेन टारगेट और मेन फंडा होता है एम्पावरमेंट का, कि जहां पर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को क्या प्रोवाइड करती है, थोड़ा सा पावर प्रोवाइड कर देती है कि भाई तुम अपने खुद के डिसीजन ले सकते हो अपनी जॉब के क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए। तो इन दैट केस कि जहां पर वो उसकी सक्सेस के लिए, क्योंकि जरूरी भी है, तो यहां पर वो क्या करता है, थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाता है। इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि जैसे कि जब आप छोटे थे आपको सब साइकिल चलाना सिखाई जाती थी, उस समय पर जो आपको साइकिल सिखा रहा है वो पहले तो आपको सपोर्ट करता था, पकड़कर आपको साइकिल चलाना सिखाते थे, उसके बाद फिर वो क्या करते थे, आपको छोड़ देते थे, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, है ना, आप अपना खुद का डिसीजन ले सको कि कहां पर आपको ब्रेक लगाना है, कितनी स्पीड आपको करनी है, या खुद डिसाइड कर सको। सेम कंडीशन जो होती है वो एम्प्लॉयज के साथ भी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन पहले उन्हें काम करना सिखाती है, जब आप काम करना सीख जाते हो फिर आपको वो एम्पावर कर देती है, मतलब आपको कुछ यहां पर क्या देती है, वो पावर दे देती है जिससे कि आप खुद अपने डिसीजंस लेना सीख जाओ, आप खुद अकाउंटेबल बन जाओ अपने खुद के टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि हमारे अंदर एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है और हम सक्सेस की तरफ थोड़ा सा और ज्यादा मूव हो जाते हैं। एक स्टडी भी हुई थी लगभग अराउंड 7000 एम्प्लॉयज के ऊपर, जिसमें यह देखा गया था कि जितना ज्यादा आप एम्पावर करते हो एम्प्लॉयज को, मतलब ज्यादा नहीं, एटलीस्ट कि जो बंदे एम्पावर हो रहे हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा एंगेजमेंट शो करते हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा अटैच होते हैं एज कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट एम्पावरिंग। ठीक है, तो ये एक स्टडी हुई थी, तो इससे भी समझ में आता है कि एम्पावरमेंट और एंगेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है साथ में, जिससे वो सक्सेसफुली एक दूसरे को के साथ में वर्कआउट कर सके। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, आप ये भी कह सकते हो कि एक तरह से जब आप किसी को एम्पावर करते हो तो वो इनकरेज होता है, इनकरेज होने के साथ में वो इन्वॉल्व होता है उसमें, और इन्वॉल्व होने के साथ में वो इनेबल हो जाता है, दैट मींस कि वो अकाउंटेबल हो जाता है अपने उसके टास्क के लिए। दैट मींस कि यहां पर तीन आपकी स्टेप्स वर्क कर रही हैं, दैट इज इनकरेजिंग, इन्वॉल्विंग एंड इनेबल, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, दैट इज कॉल्ड द एम्पावरमेंट। नाउ द सेकेंड टर्म दैट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट। आप एक बात सोचिए, आप कोई काम कब अच्छा करते हो? आप कोई काम तब अच्छा करते हो जब आप उसको फुल डेडिकेशन के साथ करते हो। डेडिकेशन कब आएगा? जब आप उस काम में इन्वॉल्व होते हो, जब आपको अच्छा लगता है वो काम करना, तब आप उसको करते हो। जैसे वो थ्री इडियट मूवी, आई नो कि सभी ने देखी होगी,
उस मूवी में फरहान इंजीनियरिंग कर रहा होता है जबकि उसका शौक क्या होता है, फोटोग्राफी करना होता है। वो फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर सकता है क्योंकि वो उसको डेडिकेशन के साथ करता है। रणछोड़ दास छाछड़ वो क्या करता है, वो वहां पर लाइक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेलता है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लगता है। तो जब कोई काम आप डेडिकेशन के साथ करते हो, इन्वॉल्व होकर करते हो, इंगेज होकर करते हो, तब आप उस काम को और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, चाहे वो एक छोटा सा काम हो या फिर एक बहुत बड़ा काम क्यों ना हो। तो वही चीज, यही कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशन ने समझ लिया। ऑर्गेनाइजेशन ने इस कंसेप्ट को समझकर एक नई स्ट्रैटेजी फॉर्म कर ली, दैट इज वर्कप्लेस, आप कह सकते हो कि वर्कप्लेस मेथड डिजाइन कर ली, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यू स्ट्रैटेजी फॉर्म कर ली जिसमें वो अपने इंप्लॉइज को क्या करती है, इन्वॉल्व कराती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। लाइक एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पर एम्प्लॉई को उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी खुद की ड्यूटीज, उसके जो लाइक उसके साथ में काम करने वाले जो उसके सपोर्टर है उनके साथ में, उसके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ में, उन सब के साथ वो क्या करती है, उसको अटैच कराती है, जिससे कि एक एम्प्लॉई बहुत हद तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाए और जुड़कर उस ऑर्गेनाइजेशन को वो अपना समझे और जो भी वो काम कर रहा है वो ऐसा समझे कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। इस तरह का एंगेजमेंट जब एक एम्प्लॉई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में शो करता है तो जो काम निकलेगा ना वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में होगा, उसका जो लाइक एक तरह से प्रोडक्टिविटी उसकी इनहेंस होगी, साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस आपको हायर देखने को मिलेगा। सो दैट इज द एम्प्लॉई एंगेजमेंट, कि एम्प्लॉई को इस तरह से एंगेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कि वो उसको सक्सेसफुली रन आउट कराने में मदद कर सके। ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइक हमारा जो एम्प्लॉई एंगेजमेंट है उसको कैसे करवाया जाता है, तो इसके कई सारे तरीके होते हैं। लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू आप इसको करवा सकते हो, या फिर आप उनको एक तरह से कुछ रिवॉर्ड्स ऑफर कर सकते हो, या फिर आप उनको कुछ उनके जो फ्यूचर में वो क्या क्या करियर्स के एडवांसमेंट उनको मिल सकते हैं वो आप उनको बता सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप एम्प्लॉय इंगेजमेंट करवा सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द टू टर्म्स, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉय इंगेजमेंट, और दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।